हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आपके भी क्रोम से कुछ भी डाउनलोड नहीं हो रहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि क्रोम के डाउनलोड प्रॉब्लम को कैसे हम ठीक कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। सो यहाँ पे अब हम अपने फोन पे हैं और यहाँ पे हमने क्रोम को ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पे कई बार क्या प्रॉब्लम होता है कि क्रोम पे कुछ भी हम डाउनलोड करते हैं तो वो डाउनलोड नहीं होता है, या फिर कुछ एरर दिखाता है या फिर फेल्ड हो जाता है कई बार। तो इसका क्या सॉल्यूशन है वही हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको एक दिखा देता हूँ। सबसे पहले थ्री डॉट पे क्लिक करके डाउनलोड पे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सॉन्ग है जो मैंने डाउनलोड किया था, वो फेल्ड हो गया था। तो इसी तरह से फेल्ड हो जाता है या फिर डाउनलोड जो है वो रुक जाता है। तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम है इसका एक ही सॉल्यूशन है। सबसे पहले आपको यहाँ से इसे काट के क्रोम से बाहर आना है, क्रोम से बाहर आना है। उसके बाद आपको सेटिंग्स पे खोलना है, अपने फ़ोन के सेटिंग्स को ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको अपने ऐप मैनेजर पे जाना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप मैनेजमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऊपर नीचे आपके फ़ोन में कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ढूंढ के सबसे पहले तो ऐप मैनेजमेंट पे जाना है, ऑल ऐप्स पे जाना है। इस पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे ऐप लिस्ट पे जाएंगे फिर से वापस से। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सारे ऐप्स यहाँ पे इस तरह से खुल जाते हैं। अब यहाँ पे जो सिस्टम का जो ऐप्स होता है उसे आपको यहाँ पे शो करना है। जैसे यहाँ पे हम ये डॉट दिख रहा है ऊपर में, यहाँ पे हम क्लिक करके शो सिस्टम पे क्लिक करना है हमें और यहाँ पे सिस्टम ऐप्स खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको डाउनलोड मैनेजर खोजना है। यहाँ पे आपको नीचे इस तरह से स्लाइड करके डाउनलोड मैनेजर यहाँ पे खोजना है। चलिए यहाँ पे हम नीचे जाके देख लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड मैनेजर यहाँ पे आ गया है। अगर आपको इसमें इस तरह से आप नहीं खोज सकते हैं तो यहाँ पे ऊपर में आपको सर्च का ऑप्शन दिखाई देता है। सर्च पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको DOWN इतना ही लिखना है। उसके बाद ऊपर में आ जाएगा डाउनलोड मैनेजर। यहाँ पे आप देख लीजिए डाउनलोड मैनेजर का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे हमको क्लिक करना है। क्लिक करके सबसे पहले इसे ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसे फोर्स स्टॉप करेंगे। उसके बाद स्टोरेज यूजेज पे जाएंगे और क्लियर डाटा यहाँ से करना है। एक बार क्लियर डाटा यहाँ से करेंगे देन अब यहाँ पे जो हमारा प्रॉब्लम है वो यहाँ पे पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा और कुछ भी अब हम डाउनलोड करेंगे तो वो डाउनलोड होने लग जाएगा। अधिकतर जो प्रॉब्लम होता है वो हमारे डाउनलोड मैनेजर से ही होता है और जो भी डाउनलोड होता है वो सिस्टम के डिफ़ॉल्ट डाउनलोड मैनेजर से ही होता है। तो एक बार आप जब उसका डाटा क्लियर कर लेंगे तो आपका सारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा और इस तरह से आप जो है क्रोम में कुछ भी डाउनलोड अब कर सकते हैं।